है, एक्सरसाइज सी का लॉग क्वेश्चन नंबर सिक्स देखना। सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है 824.523 इंटू करने के बाद ये हमारा दिया है 4.025 ठीक है, डिवाइड में 8.2035 ठीक है। फिर लिखते हैं हम लोग माना y बराबर इंग्लिश में लेट y इज इक्वल टू फिर से क्वेश्चन को 824.523 इंटू 4.025 डिवाइड में 8.2035। फिर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर दो साइड हो चुका है, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर इंग्लिश में टेकिंग लॉग बोथ साइड ठीक है। तो लॉग लेंगे तो यहाँ वाई है तो क्या हो जाएगा, ये लॉग वाई, यहाँ लॉग लगाएंगे तो लॉग ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट में फिर से 824.523 मल्टीप्लाई 4.025 डिवाइड में 8.2035 ठीक है। अब हम अंदर में लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग y इज इक्वल टू लॉग अंदर लगाएंगे तो लॉग 824.523 मल्टीप्लाई तो प्लस लॉग 4.025 डिवाइड में तो माइनस लॉग 8.2035 इतना क्लियर। अब हम लोग लॉग देखेंगे ठीक है। दशमलव से पहले यहाँ तीन संख्या है तो एक कम करेंगे तो दो, दशमलव से पहले एक संख्या है एक है तो एक कम करेंगे तो जीरो, दशमलव से पहले यहाँ पे एक संख्या है एक कम करेंगे एक संख्या है एक कम करेंगे तो जीरो। अब लॉग टेबल देते हैं 82 का 4 मीन डिफरेंस 5 देखेंगे ठीक है। तो ये हमारा लॉग टेबल है जो कि 10 से स्टार्ट है ना, 10 से देख सकते हैं आप यहाँ पे 10 से स्टार्ट हुआ है लॉग टेबल हमारा, यहाँ 49 है और यहाँ पे 50 से 99 तक हमको जाना है 82 का 4 मेन डिफरेंस 5, ये है 82 इसका 0 1 2 3 4 5 जाना था ना, ये हमारा इसका 4 9 1 5 9 82 का 4 है ये। अब मेन डिफरेंस 5 देखना, मेन डिफरेंस इसको बोलते हैं सामने वाला टेबल 1 2 3 4 5 ये वाला 3 है, पाँचवा नंबर वाला 3 है ना, तो 9159 में 3 जोड़े तो कितना जाएगा 9162। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है 40 का 2 मीन डिफरेंस 5, 40 का 2 मीन डिफरेंस 5, 40 इधर मिलेगा आपको है ना, ये रहा 40, 40 का 2 6042 मीन डिफरेंस कितना देखना है, इसका भी 5 देखना है 1 2 3 4 5 5 का 5 है 6042 में 5 जोड़े तो 6047 42 का 47 हो गया ठीक है, 42 से 47। अब देखना है 82 का 0 मीन डिफरेंस 3 देखना है, ये 5 का तो देख ही नहीं सकते क्योंकि 4 ही डिजिट का देख सकते लॉग टेबल, 82 का 0 मीन डिफरेंस 3 ठीक है। लॉग टेबल देखते हैं, ये हमारा हो गया 82 का 0 मीन डिफरेंस 3, 82 का 0 हो गया 9138 मीन डिफरेंस 3 देखे तो 3 का 2 है ठीक है, तो 82 का 0 9138 मीन डिफरेंस 2 तो 9138 में जोड़ दो तो 9140 9140 लॉग y इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर दो और इसको माइनस कर दो, चलो ऐड कर देते हम लोग 2.9162 है ना ये डिजिट, फिर इसमें ये जोड़ देते हैं प्लस 0.6047 माइनस 0.9140 ये आ गया मेरा 2.6069 2.6069 ठीक है। ये आ गया मेरा लॉग y इज इक्वल टू यहाँ लॉग है, लॉग को यहाँ हटाते थे यहाँ क्या लग जाता है हमारा एंटी लॉग 2.6069 एंटी लॉग देखेंगे
दशमलव के बाद का देखते हैं, दशमलव के बाद है 60, 60 का 6 मिन डिफरेंस 9। देखो चलो हम एंटी लॉग टेबल देखते हैं हम लोग। ये लॉग टेबल के बाद बचा है एंटी लॉग, 60 का ना, 60 का इधर मिलेगा 60 का, ठीक है, 60 का 6 मिन डिफरेंस 9, ये 60 का 6 4036 मिन डिफरेंस कितना है 8, जोड़ दो तो 4036, उसमें 8 जोड़ेंगे तो 44, या 2 है तो 1, 2, 3 संख्या का दशमलव। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलो आप लोग सातवां बना लेते हैं, ठीक है, देखना आप लोग सातवां, 472.9 डिवाइड बाई 13.09 इंटू 86.27, ठीक है। तो यहाँ पे वही लेट y इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 472.9, ऐसे करके कंप्लीट हम लोग को बनाएंगे ना। देखना आप लोग 13.09 इंटू 86.27, ठीक है, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है, y का क्या हो जाएगा लॉग y इक्वल टू यहाँ लॉग लिख के इसको पूरा ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, 472.9 13.09 इंटू 86.27, ठीक है। अब लॉग लगाएंगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग अंदर लगाए तो लॉग 472.9 डिवाइड में है, डिवाइड में दो डिजिट है, ठीक है, अभी तक जितना भी पढ़ा हम लोग पहली बार आया ये दो डिजिट है, तो ब्रैकेट लगा के लॉग 13.09 इंटू है तो प्लस लॉग 86.27, क्लियर, इतना लॉग y इक्वल टू दशमलव के पहले तीन संख्या है तो एक कम करेंगे तो दो, ठीक है, माइनस दशमलव के पहले दो संख्या तो एक कम करेंगे तो एक बचेगा, दशमलव के पहले दो संख्या है तो एक कम करें तो एक बचेगा। चलो लॉग टेबल देखें, 47 का 2 मिन डिफरेंस 9, देखते हैं हम लोग लॉग टेबल, ये रहा हमारा लॉग टेबल, ठीक है, 47 का 2, चलो देखना ये हमारा है 47 का 0, 1, 2, ये है 2, 6, 7, 3, 9 मिन डिफरेंस कितना है 8, 6, 7, 3, 9 में 8 जोड़ूंगा तो 6, 7, 4, 7 आ जाएगा, 6, 7, 4, 7, 13 का 0, 9, 13 का 0, ये आएगा 1, 1, 3, 9, इसका मिन डिफरेंस कितना है 9, 9 जोड़ दूँ कितना है 29, 1, 1, 3, 9 में 29 ऐड करूँ कितना जाएगा, क्या था 1, 1, 3, 9, तो 1, 1, 6, 8 आएगा। अब उसके बाद है 86 का 2, 7, 86 का 2, 7, ये आ गया मेरा 86, 86 का 2 है 9, 3, 5, 5, इसका 7 हमारा है 3 है, ये है ना 4, ठीक है, 86 का 2 और इसका 4 जोड़े तो 9, 3, 5, 5 है 9, 3, 5, 9, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, लॉग y इज इक्वल टू 2.6747, ठीक है, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन पूरा बदल जाता है, ये प्लस वाला माइनस में 1.1168 माइनस 1.9359, अब इसमें से इसको घटा दो फिर इसको घटा दो, तो हम लोग करते हैं 2.6747 माइनस, ये प्लस में ले लिए इसको माइनस 1.1168 माइनस ये वाला 1.9359 माइनस 0.378 आया, पहली बार हमारा माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस में आया, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लॉग y इज इक्वल टू माइनस 0.378 इसमें आया है। अब इसके सामने हम लोग माइनस 1 प्लस 1 लगाते हैं। अच्छा ये बताओ किसी भी डिजिट के सामने में, किसी भी डिजिट में अगर मैं एक घटाऊं और एक जोड़ दूं तो कितना आएगा, वही डिजिट आएगा। टेकिंग
माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो लॉग वाई है ये, इसके सामने मैं माइनस वन प्लस वन लिख दिया और ये माइनस 0.378। क्या किए, ये डिजिट ऐसे ही है, इसके सामने माइनस वन प्लस वन लिख दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको माइनस को हटा रहे थे दशमलव के बाद वाला वैल्यू को, ये माइनस वन का माइनस वन, इसमें से इसको घटा दो, प्लस वन में से इसको माइनस कर दो, तो प्लस 0.622 आएगा। इस एक में से मैंने इसको घटाया तो ये आया। अब दशमलव के बाद वाला प्लस में है और इधर वाला माइनस में है, तो इसको कैसे लिखते हम लोग, बार 1.622। कहने का मतलब है दशमलव के बाद वाला इधर प्लस में और इधर वाला माइनस में, ठीक है। अब हम लोग एंटी लॉग देखते हैं, एंटी लॉग दशमलव के बाद का देखते हैं, 62 का 2, ठीक है। एक बार देख लो आप लोग, यहाँ से लॉग हटेगा तो यहाँ पे एंटी लॉग बार 1.62 का 2, ठीक है। y इज इक्वल टू 62 का 2 देखते हैं, ये हमारा एंटी लॉग का टेबल 62 का 2 है, 4188 है, ठीक है। ये आ गया मेरा आंसर 4188। यहाँ बार 1 है तो 10, बार 3 होता तो, जैसे बार 3 होता है ये होता आंसर अगर, तो 62 का 2 देखते कितना था 4188, या बार 3 तो 0.00। मैंने आप लोगों को लॉग टेबल में कल बताया था स्टार्टिंग में, जब चैप्टर स्टार्ट होता था अपना, ठीक है। लो लिख लो उसको।